वेलकम टू योर ऑन चैनल नेप एजुकेशन और हम स्वागत करते हैं आपको अभय कुमार मिश्रा और आज आपके सामने लेके आ गए दैट इज द फाइलम इकाइनोडर्माटा का क्लासिफिकेशन एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट नीट एग्जाम के लिए भी बहुत ही डिटेल में दैट इज द इफ यू गो थ्रू द वीडियो यू कैन फाइंड आउट इट इज द वेरी क्लियर कंसेप्ट वर्ड गिवेन नॉट ओनली फॉर द इकाइनोडर्माटा सिर्फ इकाइनोडर्माटा के लिए भी नहीं और भी फाइल का कुछ टर्म्स आपको मिलेगा और बहुत ही ईजी क्लासिफिकेशन होने जा रहा है. ओके सो देयर इज द वन रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू इफ यू आर द न्यू वन तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी द पब्लिश वीडियो पब्लिश करते रहते हैं आपके नेपाल के भी कॉमन एंट्रांस एग्जामिनेशन जो अब मेडिकल एग्जाम के लिए हो चुका है उसके लिए भी साथ में इंडिया के नीट के लिए भी बायोलॉजी का जो एकदम इम्पोर्टेंट है दैट विल बी गोइंग टू बी देयर सीबीएसई के लिए भी है नीट एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन के लिए इसलिए आई एम यूजिंग द बोथ लैंग्वेज कुछ जो कम्प्लीटली नेपाल डिपेंडेंट हुआ नेपाली में भी यूज होता है जो आपके इंडिया से भी रिलेटेड है सीबीएसई बोर्ड का उसके लिए मैंने हिंदी लैंग्वेज को भी यूज करता हूँ एज वेल एज इंग्लिश ओवर देयर. ओके तो चलते हैं और इफ यू लाइक इट अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और कीप इफ यू हैव द एनी कंफ्यूजन तो यू कैन कीप ऑन द कमेंट आई शैल ट्राई टू गिव द रिप्लाई माय बेस्ट. ओके लेट्स फाइलम इकाइनोडर्माटा ये जो टर्म है दैट इकाइनोडर्माटा वाज कॉइंड बाय द जैकब क्लेन. ओके ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है इकाइनोस का मतलब होता है स्पाइनी एंड डर्मा स्टैंड्स फॉर द स्किन. सो इफ यू सी द यहाँ पे स्किन अगर इसे आप देखते हैं तो क्या है यहाँ पे स्पाइनी स्किन दिखता है हम लोग को और ये जो स्पाइनी स्किन दिख रहा है इसीलिए इस फाइलम का नेम ही दिया गया दैट इज द फाइलम इकाइनोडर्माटा. आफ्टर दैट इफ यू सी इट्स हैबिट एंड हैबिटेट इसका हैबिट एंड हैबिटेट का बात करेंगे तो एक्सक्लूसिवली मैरिन इसका हर एक इंडिविजुअल ऑल द इंडिविजुअल ऑफ दिस वन देयर इज द नो एनी एक्सेप्शन के सब मैरिन है. कहते हैं जितना भी मैरिन है ऑल इकाइनोडर्म्स ये होता है बेंथिक. बेंथिक का मतलब है बॉटम ड्वेलर होता है इट विल बी द फाउंड एट द बॉटम. यस कुछ को छोड़ के पेलाजिक होता है लिविंग ऑन द वाटर सर्फेस जैसे सी कुकुम्बर. सी कुकुम्बर है ये वाटर सर्फेस पे होता है जिसको हम लोग कहते हैं पेलाजिक और मोस्टली आर द फ्री लिविंग एक्सेप्ट वन सी लिली. ये सेसाइल होता है सेसाइल का मतलब है दैट कांट मेक द मूवमेंट ज्यादा ये मूव नहीं कर सकता है एंड That will be the what will happen very crippling at the bottom. बहुत ही slow move करता है ये bottom पे. Okay? If you see this body organization, इसका body organization देखते हैं हम लोग तो ये organ system of body organization होता है यहाँ system formation हो जाता है और एक बहुत ही important characteristic इसमें है वह है adult में ये होता है radially symmetrical. Adult में radially symmetrical है लेकिन larval stage में ये bilateral होता है. Yes, bilateral symmetry. इस एनिमल्स को अगर जर्म लेयर पे बेसिस करते हैं तो ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है इट हैज द थ्री जर्मिनल लेयर्स जो सबसे बाहर का लेयर होता है उसको हम लोग कहते हैं इक्टोडर्म. जो अंदर का लेयर होता है सबसे अंदर का वो हो गया इंडोडर्म और दोनों के बीच का जो लेयर होता है दैट हैज बीन द नेम व्हाट मेसोडर्म. सो इसका जितना भी ऑर्गेन है दैट विल बी द डेवलप फ्रॉम द दिस थ्री लेयर्स इक्टोडर्म मेसोडर्म एंड इंडोडर्म इसीलिए इस एनिमल्स को हम लोग कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल. इफ यू सी इट्स बॉडी कैविटी इसके बॉडी कैविटी का बात करते हैं तो इट हैज द ट्रू सिलोम. यू सिलोमेट एनिमल है ये इसमें सिलोम है और इसका जो बॉडी कैविटी है सिलोम कहता है ये लाइंड होता है बाय द सीलिएटेड मेसोडर्म. सीलिएटेड मेसोडर्म होता है साथ में सिलोम जो कैविटी है बॉडी एक फ्लूड से भरा होता है सिलोमिक फ्लूड एंड देर इज द वन सेल इज देयर जिस सेल का नाम देते हम लोग सिलोमोसाइट. ये जो सिलोमोसाइट है दिस इज द मेकिंग इट्स इम्यून सिस्टम ये डिफेंस का काम करता है. यस ये लिम्फोसाइटिक्स यानी फैगोसाइटिक होता है जब उसको किल करने में ये हेल्प करता है सिलोमोसाइट. साथ में ये है इंट्रोसिलिक. इंट्रोसिलिक का मतलब है जो सिलोमेट एनिमल है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक कहते हैं हम लोग सीजोसिल. सीजोसिल में मात्र मेसोडर्म के स्प्लिटिंग से जैसे ये इक्टोडर्म हुआ यस आफ्टर दैट देयर इज द मेसोडर्म एंड देयर इज द इंडोडर्म. तो अगर मेसोडर्म के स्प्लिटिंग से अगर सिलोम डेवलप होता है कैविटी डेवलप होता है तो इसको कहा जाता है सीजोसिल एंड
दिस सीजोसिल यूज टू बी द फाउंड इन द एनिलिडा में, एनिलिडा में मिलेगा आपको, ऑर्थोपोडा में मिलता है और मोलस्का में, ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का, दिस थ्री फाइलम वर देयर, जो कि सीजोसिल है। इसके बाद ये इंट्रोसिल का जहां तक बात है, तो इंट्रोसिल में होता है क्या, दैट इज द मेसोडर्म इज गोइंग टू बी द स्प्लिटिंग बाय द पाउच ऑफ एम्ब्रियोनिक गट वॉल। एम्ब्रियोनिक गट जो डेवलप होता है वो इस मेसोडर्म को स्प्लिट कर देता है, उसको ब्रेक कर देता है और कैविटी डेवलप करता है। उसके कारण जब डेवलप होता है तो इसको हम लोग कहते हैं इंट्रोसिलिक, जो कि होता है इकाइनोडर्म्स में, इकाइनोडर्म्स में आपको मिल जाएगा, जो अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं, हेमिकॉर्डेट्स में मिल जाता है, हेमिकॉर्डेट में और कॉर्डेट में। यस मींस हम लोग के पास भी जो सिलोम है दैट इज द इंट्रोसिलिक, इंट्रोसिलिक। ओके नेक्स्ट वी कैन से इसका शेप ऑफ द बॉडी अगर देखते हैं हम लोग इकाइनोडर्म में, तो दैट इज द वेरिएबल से बहुत सारा डिफरेंट शेप का मिलता है, बहुत ही खूबसूरत एनिमल, देखने में बहुत ही अच्छा रहता है ये सब। यस देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, राउंडेड होता है, स्टार शेप है, डिस्क लाइक है, कुकुम्बर लाइक है, यस फ्लावर लाइक है, लाइक दिस देर इज द लिली फ्लावर जैसा लगता है, उसका नाम भी हम लोग सी लिली देते हैं, सी कुकुम्बर है। तो इस तरह से दैट इज द इसका बॉडी शेप वेरी करता है। बॉडी सरफेस का बात करते हैं तो बॉडी सरफेस पे होता है देर इज द स्पाइनी, इसीलिए शुरू में ही बताया कि इसको फाइलम इकाइनोडर्माटा कहते हैं बिकॉज इट हैज द स्पाइनी स्किन, यस जो कि प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है। साथ में इसमें एक खास स्ट्रक्चर होता है पेडिसलेरी, पेडिसलेरी देखिएगा ये पिंसर लाइक, दिस इज हैपेंड पिंसर लाइक स्ट्रक्चर ओवर देयर, जिसमें ये ऐसे रहता है जो कि इसको करता है, दैट इज द अगर हम लोग प्रॉपर वे में बनाए तो इट विल बी द लाइक दिस ओवर जॉ लाइक स्ट्रक्चर, आइदर टू जॉ और मे बी थ्री जॉ विल बी देयर, इसको कहते हैं हम लोग पेडिसलेरी। इसका काम है दैट इज द मसल्स भी होता है, ये क्रॉस किया रहता है, मूव किया जा सकता है इसको, इसका काम है क्योंकि ये बॉटम ड्वेलर है, इट विल बी द फाउंड एट द बॉटम, वाटर में रहता है, सी वाटर में होता है ये। यस तो ऊपर में जो भी एनिमल्स कुछ फूड खाया, कुछ भी है, डेब्रिस है, ये हमेशा इसके बॉडी पे आता ही रहता है, तो इसको अगर साफ नहीं करेगा तो मे बी दैट इज द वो सब्सटेंस है, ये धीरे धीरे पूरे दब जाएगा। यस दैट्स व्हाई व्हाट विल हैपन, इट हैज द पेडिसरी जो कि इसको हमेशा क्लीन करने का काम करता है, जो भी डेब्रिस आएगा फ्रॉम द डेब्रिस फॉरेन पार्टिकल्स इस सबको ये क्लीन करता रहता है। नेक्स्ट इफ यू आर टेकिंग बॉडी वॉल, तो इसका जो एपिडर्मिस है वो सिंगल लेयर्ड है, यस इनवर्टिब्रेट है तो सिंगल लेयर्ड। इसमें एक खास करके ग्लैंड होता है दैट इज कॉल्ड मोरीफॉर्म ग्लैंड, जो कि फॉर द पिगमेंटेशन होता है स्किन का। और इसमें एक खास है क्या, ये इंडो स्केलेटन है इसमें, यस कंसिस्ट ऑफ द कैलकेरियस ऑजिकल्स, कैलकेरियस का मतलब है दिस इज द कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है ये, दिस इज द मेड अप ऑफ द वर्ल्ड कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है कैलकेरियस ऑजिकल्स मेसोडर्मल इन ऑरिजिन है, इसीलिए फाइलम इकाइनोडर्माटा, जबकि बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक इसका सिंपल एनिमल जैसा है, लेकिन इनवर्टिब्रेट में बहुत ही हाई में, इसको सबसे हाई में रखते हैं, कॉर्डाटा के बगल में रखते हैं। उसके पीछे एक कारण हम लोग जो सिलोम पढ़ चुके दैट इज द इंट्रोसिलिक होता है इसके पास, दूसरा होता है देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द इंडोस्केलेटन, प्रेजेंस ऑफ इंडोस्केलेटन। आफ्टर दैट इफ यू सी इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका अगर डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं तो इसका कंप्लीट भी हो सकता है डाइजेस्टिव सिस्टम, मींस हैविंग द टू सेपरेट ओपनिंग, वन इज द माउथ अनदर इज द व्हाट एनस, टू सेपरेट ओपनिंग, वन फॉर द इंजेशन अनदर फॉर द इजेशन, या ये इनकम्प्लीट भी होता है। जैसे एक क्लास है दैट इज द ओफिरोइडिया, ओफिरोइडिया में देर इज द इट विल बी द अब्सेंट मींस इनकम्प्लीट होता है। माउथ इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सर्फेस, ये बहुत ही पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि ये माउथ जो होता है जनरली इसका वेंट्रल सर्फेस पे, और एनस जो होता है वो होता है डॉर्सल सर्फेस पे, मींस स्टारफिश जो ऐसे रहता है तो इसका माउथ ये बॉटम में इस साइड रहता है, और हम लोग जो ऊपर देखते हैं यहाँ इधर होता है एनस, लेकिन देर इज द एनस मे प्रेजेंट ऑन द ओरल सर्फेस ऑल्सो,
एक क्लास है जो पढ़ेंगे हम लोग, क्रिनोइडिया, उसमें रहता है, दैट इज द माउथ एंड एनस, बोथ ऑफ देम आर ऑन द ओरल सर्फेस ओनली। ओके, एक सी अर्चिन है जिसके गट में एक खास करके मैस्टिकेटिंग ऑर्गेन होता है, मतलब फूड को ब्रेक करने के लिए, उसको कहते हैं हम लोग अरिस्टोटल्स लैंटर्न। एकदम इंपॉर्टेंट है ये चीज, अरिस्टोटल्स लैंटर्न कहाँ मिलता है, तो एक्चुअली ये सी अर्चिन मीन्स फाइलम इकाइनोडर्माटा में। इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम का बात करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप का ऑर्गेन है इसके पास रेस्पिरेशन करने के लिए। इसके बाद रेस्पिरेशन ऑकर्स थ्रू द वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे डर्मल, डर्मल ब्रांची है, पैपलेई है स्टारफिश में, सी अर्चिन गिल से रेस्पिरेशन करता है, ब्रिटल स्टार जिनाइटल बोर्सेई से करता है, क्लोकल रेस्पिरेटरी ट्री होता है इन द सी कुकुम्बर। उसी तरह से एक कुवेरियन ऑर्गेन है, दैट इज द रेस्पिरेटरी एज वेल एज प्रोटेक्टिव। बहुत ही पिकुलियर पिकुलियर नेम आता है, अरिस्टोटल्स लैटरन, कुवेरियन ऑर्गेन, ये सब जो है, दिस इज द पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइलम इकाइनोडर्माटा। बहुत ही ऐसा सा पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक है इस फाइलम में, दैट इज द मेनी क्वेश्चन, देयर इज द चांस टू फॉर्म द मेनी क्वेश्चन ओवर देयर। इसके बाद आते हैं इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में, ये ओपन टाइप है, बड़ा सिंपल टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हार्ट और रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होता है, इसमें हार्ट भी नहीं होता है और ब्लड में किसी भी टाइप का कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी नहीं है। इफ यू सी द नर्वस सिस्टम, इसका नर्वस सिस्टम डिसेंट्रलाइज होता है, मीन्स देयर इज नो ब्रेन, यस, तो इसलिए लिखे हैं नो ब्रेन। इसमें डिस्टिंक्ट हेड भी नहीं होता है और इसका नर्वस सिस्टम जो है वह नर्व रिंग है, उसी नर्व रिंग से नर्व नेट या रेडियल नर्व्स ओरिजिनेट होता है, बट देयर इज नो ब्रेन ओवर देयर, इसीलिए डिसेंट्रलाइज कहा गया इसको। एक्सक्रेटरी सिस्टम में भी बात करते हैं, तो बताए थे आपको इसमें बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक एकदम सिंपल एनिमल जैसा है, लेकिन इसको इनवर्टिब्रेट में हाई में रखे हुए हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंडोस्केलेटन एंड इंट्रोस्लिक सीलोम है। यस, इसमें कोई स्पेशल ऑर्गेन नहीं होता है फॉर द एक्सक्रीशन, जिसके जनरल बॉडी सरफेस से करता है ये, और ट्यूब फिट, ये ट्यूब फिट का और भी यूज है, आगे चलते हैं इसको डिटेल भी करेंगे। साथ में ये अमोनोटेलिक है, अमोनोटेलिक मीन्स व्हाट हैपन, इट एक्सक्रीट द अमोनिया, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को ये रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। कुछ जो होता है वो होता है एमिनोटेलिक, मीन्स दैट एक्सक्रीट द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड, वह एमिनो एसिड को ही रिलीज कर देता है। अब इसका एकदम पिकुलियर, दैट इज द वेरी गुड और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वह है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। कहता है बॉडी इज प्रोवाइडेड विद द वाटर वैस्कुलर सिस्टम, या इसको हम लोग कहते हैं एम्बुलाक्रल सिस्टम। एक कैनाल सिस्टम पढ़े थे, दैट वॉज इन द फाइलम पोरीफेरा, अगर लर्न कर सकते हैं याद रहा होगा, कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम पढ़े थे, यस। उसके बाद यहाँ पे वाटर कैनाल सिस्टम नहीं, यहाँ पे वाटर वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं, जो कि कनेक्टेड टू द आउटसाइड थ्रू अ परफोरेटेड प्लेट कॉल्ड मैड्रीपोराइट। इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, बड़ा ये पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक है इसका, यस, जो देयर इज द, इफ यू सी द स्ट्रक्चर ओवर देयर, माउथ के चारों ओर होता है, दिस इज द रिंग कैनाल, इस तरह से होता है, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द वर्ड रिंग कैनाल ओवर देयर। आफ्टर दैट ये रिंग कैनाल से बहुत सारा चलता है, देयर इज द रेडियल कैनाल ओवर देयर, हर एक वर्टेक्स से आपको निकल जाएगा रेडियल कैनाल, यस, इसको कहते हम लोग रेडियल कैनाल, एज वेल एज यहां से रेडियल कैनाल, देयर इज द फाइव वर्टेक्स से रेडियल कैनाल। आफ्टर दैट दिस रेडियल कैनाल विल गिव्स आउट द लैटरल कैनाल ओवर देयर, ये लैटरल कैनाल देता है, लेकिन ये पैरेलल नहीं होता है जो जनरली हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, इट इज नॉट, जैसे एक साइड का दो के बीच में एक आएगा, यस, और ये ही आता है ट्यूब फिट में, दिस इज द रेडियल कैनाल से जो निकलता है कैनाल, दिस हैज गिवन द नेम व्हाट, ये है लैटरल कैनाल ओवर देयर। दिस लैटरल कैनाल हैपेंड ऑफ द डिफरेंट साइजेस, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, और इसमें आके अटैच होता है एक ट्यूब फिट, दैट इज द, वह ऐसे रहता है, दैट इज द ट्यूब फिट ओवर देयर, यस, देयर इज द ट्यूब फिट। इसको अगर हम लोग देखते हैं सेपरेट करके, तो इट इज द लाइक दिस,
दिस इज द एम्पुला, इसके बाद कहते हैं इसको पोडियम, और लास्ट में यहाँ होता है सकर। तो ये इस तरह से अटैच होता है, इट इज द वेरी थिन वॉल्ट, दिस इज द एम्पुला, ये है एम्पुला, इसके बाद यहाँ पे होता है दिस इज द पोडियम, और ये आगे का जो होता है प्लेट, ये सकर का काम करता है, सबस्ट्रेटम से अटैच होने में काम करता है भी, दिस इज द सकर, दिस इज द एपेंडिक्स, ये जो है दिस इज द रिंग कैनाल, ये जो आप देख रहे हैं पेंटागोनल, दिस इज द वॉटल एपेंडिक्स रिंग कैनाल, ये माउथ के चारों ओर होता है, ये स्पेरिकल भी होता है जैसे सी स्टार में, दिस इज द कॉल्ड लैटरल कैनाल, सॉरी रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल, एंड देन आफ्टर दैट दिस इज द लैटरल कैनाल, ये है लैटरल कैनाल, इसी से यहाँ पे अटैच होता है, दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कहते हैं दिस इज द ट्यूब फिट, दिस इज द एपेंड ट्यूब फिट। इन दिस वन लैटरल कैनाल जो यहाँ पे ओपन होता है ट्यूब फिट में, दिस पार्ट प्रोवाइडेड विद द बल्ब, यहाँ पे बल्ब होता है जो वाटर को इसमें जाने देगा, बट इट विल डजंट लेट द रिटर्न बैक टू देयर। साथ में यहाँ पे एक मैड्री पोराइट होता है, एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर सीलिएटेड है, बहुत सारा सावर जैसा हम लोग फ्लावर को जो करते हैं, और साथ में ये परफोरेटेड होता है बाय द वन स्टोन कैनाल, यहां से ये मैड्री पोराइट है, दिस इज द मैड्री पोराइट, आफ्टर दैट दिस वन इज द स्टोन कैनाल, स्टोन कैनाल, इसी में होता है देर इज द, ये जो रिंग कैनाल है इट इज लाइंड बाय अ स्पेशल टाइप ऑफ द ऑर्गन जिसको कहते हैं टाइडमैन्स बॉडी या रेसिमोज ग्लैंड, ये कॉमनली 10 होता है, लेकिन स्टारफिश जो कि है उसमें सिर्फ 9 होता है, अदरवाइज इट इज द जनरली 10 इन नंबर, ये लाइंड करता है इसको रेडियल कैनाल को, यहाँ पे ये लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन करता है, इट विल फॉर्म द लिम्फोसाइट। अब होता क्या है, इसी मैड्रीपोराइट से वाटर अंदर जाएगा, स्टोन कैनाल होते हुए रिंग कैनाल में आता है, रेडियल कैनाल होते हुए ये चला जाता है लैटरल कैनाल में, और लैटरल कैनाल से जब ये ट्यूब फिट में आएगा, दिस एम्पुला गोइंग टू बी द लार्ज, एंड जब इसको मूव करना होता है तो ये अपने उस आर्म को राइज करता है, एम्पुला को प्रेस करेगा, बट हेयर इज द रेडियल कैनाल में जो है देर इज द बल्ब, सॉरी लैटरल कैनाल में बल्ब है, सो ये यहाँ से वाटर इधर नहीं जाएगा, तो इट विल बी द कंप्लीट ओवर देयर, और यही हेल्प करता है इसको लोकोमोशन में, सो इसको हम लोग कहते हैं ट्यूब फिट, ओके, ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, ये इसका वाल बहुत ही थीन होता है, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट भी यहाँ से बाहर निकलता है, सो इट हेल्प्स इनटू दिस वन, यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम यूज टू बी द फाउंड इन द इकाइनोडर्माटा। इसमें जो अभी हम बताए वही लिखे, मैड्रीपोराइट इज सपोर्टेड बाय द स्टोन कैनाल, रेडियल कैनाल इज प्रोवाइडेड विद द 5 पेयर्स ऑफ द ट्यूब फिट होता है, द फ्यूट ट्यूब फिट कंसिस्ट ऑफ एम्पुला है, पोडियम है एंड सकर, जो भी बताया आपको। और एक खास बात जो बताया क्या, लैटरल कैनाल जो होता है, ये लैटरल कैनाल हुआ तो एक लैटरल कैनाल छोटा होता है और एक बड़ा होता है, जैसे यहाँ पे ट्यूब फिट ज्वाइंट हुआ तो देर इज द वॉटल एपेंड दिस वन, दूसरा थोड़ा इससे बड़ा हो जाएगा और फिर यहाँ पे देर इज द ट्यूब फिट विल बी द अटैच। इसीलिए जब बाहर से हम लोग देखते हैं, अंदर से देखिएगा स्ट्रक्चर, तो आपको इस रेडियल कैनाल के दोनों साइड दिखेगा आपको, दैट इज द वर्ड ट्यूब फिट, लेकिन एक छोटा और एक बड़ा होने के कारण आउटसाइड बाहर से देखने पे हम लोग को 4 रोज दिखता है, 1 रोज ये लाइन जो बनेगा ये बनेगा, 1 रो ये बनेगा, तो 2 राइट साइड और 2 लेफ्ट साइड, मीन्स 4 रोज ऑफ द ट्यूब फिट हम लोग को बाहर से दिखता है, जबकि इंटरनली ये 2 रोज में ही अरेंज होता है, बट 1 इज द स्मॉल इन साइज एंड इज द लार्ज इन साइज ओवर देयर। ये सर्व करता है फॉर द व्हाट, लोकोमोशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एंड फूड कैप्चर। इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बात करते हैं तो मोस्टली डायोसियस होता है, ये कॉपुलेशन इसमें एबसेंट है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब हो गया दैट प्रजेंस ऑफ द लार्वल स्टेज, प्रजेंस ऑफ द लार्वल स्टेज। सो लार्वल स्टेज का यहाँ पे हम आपको टेबल दे दिए हैं, इसमें बहुत सारा लार्वा मिलता है, जैसे स्टेरिडिया में, दिस इज द क्लास नेम है स्टेरिडिया का, लार्वा अगर देखते हैं हम लोग तो इट विल बी द
डेप्यूरिला है, बिपिनेरिया है, ब्रैक्यूलेरिया है, ऑफ्यूरिडिया में देखते हैं ऑफ्यूरोप्लूटस है, इकाइनोडिया में देखते हैं प्लूटस है, इकाइनोप्लूटस है, होलोथोरेडिया में ऑरिकुलेरिया है, क्रिनोइडिया में डोलियोलेरिया है, पेंटाक्रिनोइड है। तो दीज आर द लार्वा इन द दिस वन। अब इसमें एक है, दिस इज द ड्यूट्रोस्टोम। ये ड्यूट्रोस्टोम का मतलब क्या है? ड्यूट्रोस्टोम होता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इसको कहते हैं हम लोग ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर। ओके, ये ब्लास्टोपोर एक्चुअली एलिमेंट्री कनाल का जो शुरू में फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, उस एलिमेंट्री कनाल के फॉर्मेशन को हम लोग नाम देते हैं आर्केंट्रॉन, प्रिमिटिव गट जो डेवलप होता है, और इसके ओपनिंग का नाम दिया जाता है ब्लास्टोपोर। इफ दिस ब्लास्टोपोर विल बी चेंज इनटू द माउथ, अगर ये माउथ में चेंज हो जाता है तो इसको कहा जाता है प्रोटोस्टोम। ऐसे एनिमल्स को हम लोग कहते हैं प्रोटोस्टोम। जो प्रोटोस्टोम मिलता है आपको फाइलम प्लेटियलमैंथस, फाइटलम प्लेटियलमैंथस, एनिलीडा, ऑर्थोपोडा, एनिलीडा, ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का, ये है प्रोटोस्टोम। इसमें क्या होता है, जो दैट ब्लास्टोपोर यूज टू बी द डेवलप इनटू द माउथ, लेकिन अगर ब्लास्टोपोर डेवलप कर जाता है एनस में एंड माउथ किसी दूसरे जगह से डेवलप अगर होता है तो ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है ड्यूट्रोस्टोम। सच एनिमल इज कॉल्ड ड्यूट्रोस्टोम। और जो कि इकाइनोडर्माटा में, हेवी कॉर्डेट्स में एंड कॉर्डेट्स में, दिस इज द इकाइनोडर्माटा, हेमी कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, मीन्स वी आर ऑल्सो ड्यूट्रोस्टोम, हम लोग भी ड्यूट्रोस्टोम है। सो दिस इज द हैपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कुछ इसमें पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक अगर देखते हैं हम लोग, तो ये इसका एडेप्टेशन भी है और बहुत ही पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक। जैसे वन इज द ऑटोटॉमी। ऑटोटॉमी का मतलब है अगर इसके पीछे कोई इसका प्रीडेटर है तो ये अपने ही पार्ट को ब्रेक कर देता है टू कंफ्यूज द इनिमी, और इसके पास हाई कैपेसिटी ऑफ द रीजनरेशन है, अगेन दैट ऑर्गेन दैट स्ट्रक्चर कैन बी रीगेन। एक खास करता है दैट इज द इविसरेशन। इविसरेशन का मतलब होता है वोमिटिंग ऑफ बिसरा, मतलब अपने इंटरनल बिसरल ऑर्गेन को भी ये बाहर निकाल के फेंक देता है। अगर इसके पीछे प्रीडेटर पड़ गया तो ये अपने अंदर के विसरल ऑर्गेन को भी निकाल के बाहर फेंक देगा एंड गिव टू द प्रीडेटर इन ऑर्डर टू मेक इट कंफ्यूज। ओके, दीज आर द सम पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक। नाउ इफ यू सी द इट्स क्लासिफिकेशन, तो इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं टू द टू सब फाइला ऑन द बेसिस ऑफ शेप, पोजिशन ऑफ द मैड्रोपोराइट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एटसेट्रा। एक सबसे फर्स्ट फाइलम है इलेक्ट्रोजोआ, सब फाइलम वन इलेक्ट्रोजोआ, जिसका मतलब है इलेक्ट्रोस फ्री एंड जोइस एनिमल। ये है फ्री मूविंग इकाइनोडर्म्स, फ्री मूविंग इकाइनोडर्म्स। देर इज द क्लास वन, इसमें क्लास है एस्टेरोइडिया, एस्टर जिसको हम लोग कॉमनली स्टार फिश में लेते हैं, स्टार लाइक विद फाइव आर्म्स, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, माउथ एंड एनस, प्रेजेंस ऑफ द मैड्रिपोराइट एंड पेडिसिलेरी है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं सबको। एग्जाम्पल में देखते हैं दैट इज द एस्टेरियस, एस्ट्रोपैक्टिन, पेंटासीरस, जिसको हम लोग सी पेंटागोन कहते हैं, दैट यू कैन सी द डायग्राम। ये पहले ही बताया आपको, इसमें बहुत ही खूबसूरत है एनिमल सब है, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। यस, नेक्स्ट फाइलम हैपेंड दैट इज द ओफ्यूरोइडिया। ओफ्यूरोइडिया में है स्टार लाइक विद फाइव आर्म्स, इसमें एनस बताए थे, एनस अब्सेंट होता है, एनस एंड पेडिसिलेरी आर अब्सेंट, और इसका जो मैड्रिपोराइट होता है वह ओरल सरफेस पे ही होता है, एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द दिस वन। ओके, ओफियोथेरिस है, ओफियोलेप्सिस है, गोर्गोनिफेरस है, जिसको हम लोग बास्केट स्टार कहते हैं। ओके, आफ्टर दैट देर इज द इकाइनोइडिया। इकाइनोइडिया में आ जाता है इकाइनस का स्पाइन एंड बॉडी इसका ग्लोबुलर, हेमिस्फेरिकल, डिस्कॉइडल एंड विदाउट आर्म्स है। स्किन बियर्स द मूवेबल स्पाइन, यस मूवेबल स्पाइन बियर करता है, इसमें होता है दैट इज द स्किन में मूवेबल। इसका जो पेडिसलेरी होता है, ये पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक इस क्लास का,
ये इसमें थ्री जॉज होता है, जैसे हम लोग बनाए थे टू जॉज, यहाँ पे थ्री जॉ होता है। और इसका जो मैड्री पोराइटल दैट इज ऑन द एबोरल सर्फेस, दैट इज इफ यू सी द इट्स एग्जाम्पल, इसी में आ जाता है सी अर्चिन जिसको कॉमन लैंग्वेज हम लोग कहते हैं, की अर्चिन है, सैंड डॉलरस, यस हार्ट अर्चिन है, दिस इज द हार्ट अर्चिन ओवर देयर। तो ये है दैट इज द केक अर्चिन, सैंड डॉलर है, एंड दिस बोथ आर द इकाइनस मीन्स सी अर्चिन ओवर देयर। ओके, नेक्स्ट क्लास इफ यू सी क्लास होलोथुरेडिया, और ये होता है कुकुम्बर लाइक, इसीलिए इसको कॉमनली हम लोग सी कुकुम्बर भी कहते हैं। इसमें आर्म्स स्पाइन पेडिसलेरी आर अब्सेंट, यू कैन सी दिस इज द कुकुम्बर लाइक ओवर देयर, इसमें कोई आर्म्स नहीं है, आर्म्स अब्सेंट होता है। मैड्रीपोराइट ऑन द ओरल सर्फेस, एग्जाम्पल हो गया होलोथुरिया, कुकुमेरिया, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द दिस वन। नेक्स्ट सब फाइलम इफ यू टेक दैट इज द पेलमेटोजोआ, पेलमेटोस का मतलब स्टॉक एंड जूस का एनिमल, मीन्स किसी स्टॉक या दैट सबस्टेटम से ये फिक्स होता है, सेडेटरी इकानोडर्म्स। क्रिनोइडिया क्लास है इसमें एक, दस लिली फ्लावर जैसा इसका शेप होता है, लिली फ्लावर लाइक, बॉडी फॉर्म्स एज ए कप और कैलिक्स, अटैच टू द सबस्टेटम बाय द एबोरल सर्फेस या बाय स्टॉक। इसमें मॉथ एंड एनस दोनों होता है ऑन द ओरल सर्फेस, जो आपको बताया जो मॉथ एंड एनस एक ही सर्फेस पे होता है। इसमें आर्म्स बियर्स द पिन्यूल्स और इसका टिप फिट होता है विदाउट सकर, इसमें सकर नहीं होता है, मैड्रीपोराइट भी नहीं है, इसमें स्पाइन भी नहीं है एंड पेडिसलेरी भी नहीं है। कुछ इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज द एंटी एंटीडॉन, दैट इज द सी लिली, एकदम देखने में प्लांट जैसा लगता है, एंड दिस इज द कॉल्ड ऑल्सो फीदर स्टार, क्योंकि इसका ये देखने पे फीदर जैसा अपीयर होता है, दैट्स वाई इट हैज ऑल्सो गिवेन द नेम फीदर स्टार। सम ऑफ द क्लास वॉज देयर जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है, जैसे सिस्टीडिया, ब्लास्टोइडिया, ये सब जो क्लास है ये एक्सटिंक्ट है, अब इसका स्पीसीज नहीं अवेलेबल है, तो इसलिए खाली हम लोग को पढ़ना नहीं है, नेम खाली जान लीजिए ओनली फॉर द नॉलेज। हेट्रोस्टिलस, यस इड्रिया स्टेरोइडिया, दीज आर द एक्सटिंक्ट क्लासेस ऑफ द दिस फाइलम। ओके, आई थिंक यू हैव गॉट द वेरी गुड इंफॉर्मेशन ओवर देयर, एंड इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट सब किए इसमें, जैसे हम लोग टाइडमांस बॉडी, रेस्मोस ग्लैंड का बात किए, यस दैट इज द वी हैव टॉक अबाउट द अरिस्टोटल्स लैंटर्न का बात किए, इस तरह से कुछ पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक सब है जिसमें दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ द व्यू, चाहे वह नेपाल का कॉमन एंट्रांस एग्जाम लें या नीट का एग्जाम लें, राइट। लेकिन नीट का एग्जाम के लिए आपको ओनली अप टू द फाइलम पढ़ना है, यू डोंट हैव टू स्टडी अप टू द क्लास, लेकिन इधर एनएबी नेपाल बोर्ड के लिए यू हैव टू गो अप टू द क्लास। ओके, थैंक यू वेरी मच, अगेन सी टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो, होप यू विल बी द गेट द इंफॉर्मेशन। अगर उसके बावजूद भी कोई भी कंफ्यूजन या कोई टॉपिक पे चाहिए वीडियो, यू कैन कॉमेंट ओवर देयर, आई शैल ट्राई टू डू इट। Thank you very much, all of you. I'll see you in the next video.